हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे मोस्ट आईएमपी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यू पार्ट थ्री के बारे में। सो गाइस, ये सारे जो एमसीक्यू है वो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो ये वीडियो लास्ट तक देखना, पता नहीं इनमें से कौन सा एमसीक्यू आपके एग्जाम में भी आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक मोस्ट आईएमपी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यू पार्ट थ्री के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रोटर इज यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट। ऑप्शन ए सिलिंड्रिकल रोटर, ऑप्शन बी सैलेंट पोल रोटर, ऑप्शन सी आइदर ऑफ दिस एंड ऑप्शन डी स्क्विरल केज रोटर। सो जो थर्मल पावर प्लांट है उसमें जो प्राइम मूवर यूज होता है वो हाई स्पीड वाला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें सिलिंड्रिकल रोटर है वो हाई स्पीड के लिए यूज होती है। तो सही आंसर आएगा ऑप्शन ए सिलिंड्रिकल रोटर। क्वेश्चन टू, एन SCR इज considered to a semi-control device because option A it can be turned off but not on with a gate pulse, option B it conducts only during one half cycle of a alternating current wave, option C it can be turned on but not off with a gate pulse, and option D it can be turned on only during one half cycle of a AC. सो जो SCR है, ठीक है, उसको हम गेट पल्स से ऑन कर सकते हैं लेकिन ऑफ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, इट कैन बी टर्न ऑन बट नॉट ऑफ विद अ गेट पल्स। क्वेश्चन थ्री, टेम्पररी मैग्नेट्स आर यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए होइस्ट, ऑप्शन बी जनरेटर्स, ऑप्शन सी मोटर्स एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो जो सारे ऑप्शन है होइस्ट, जनरेटर्स एंड मोटर, इन सब में टेम्पररी मैग्नेट यूज होता है। तो यहाँ पर सही आंसर आएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन फोर, व्हाट इज द शंट रेजिस्टेंस कंपोनेंट इक्विवेलेंट सर्किट ऑब्टेंड बाय नो लोड टेस्ट ऑफ एन इंडक्शन मोटर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ। ऑप्शन ए विंडेज एंड फ्रिक्शन लॉस, ऑप्शन बी कोर लॉसेस ओनली, ऑप्शन सी बोथ एंड बोथ वन एंड टू एंड ऑप्शन डी कॉपर लॉस। तो जो शंट रेजिस्टेंस है उसमें नो लोड पर कोर लॉसेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर आएगा बी कोर लॉस ओनली। क्वेश्चन फाइव, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज फंडामेंटल यूनिट। ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी वॉट एंड ऑप्शन डी जूल पर सेकंड। सो सही आंसर है ऑप्शन बी एम्पियर। क्वेश्चन सिक्स, द कर्टेन वोल्टेज फॉर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर। ऑप्शन ए 0.3 वोल्ट एंड 0.3 वोल्ट, ऑप्शन बी 0.3 वोल्ट एंड 0.7 वोल्ट, ऑप्शन सी 0.7 वोल्ट एंड 0.7 वोल्ट एंड ऑप्शन डी 0.7 वोल्ट एंड 0.3 वोल्ट। सो जो सिलिकॉन है उसका जो कटिंग वोल्टेज है वो है 0.7 वोल्ट एंड जर्मेनियम का कटिंग वोल्टेज है 0.3 वोल्ट। तो यहाँ पर सही आंसर आएगा ऑप्शन डी 0.7 वोल्ट एंड 0.3 वोल्ट। क्वेश्चन सेवन, इंडिया लार्जेस्ट थर्मल पावर स्टेशन इज लोकेटेड एट। ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी सरनी, ऑप्शन सी चंद्रपुर एंड ऑप्शन डी न्यू दिल्ली। तो यहाँ पर सही आंसर आएगा ऑप्शन सी चंद्रपुर। क्वेश्चन एट, इन व्हाट लिनियर सिस्टम द लोअर लिमिट ऑफ द स्पीड इम्पोज्ड बाय। ऑप्शन ए फील्ड रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी आर्मेचर रेजिस्टेंस, ऑप्शन सी रेसिडुअल मैग्नेटिज्म ऑफ द जनरेटर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। सो जो लोअर लिमिट ऑफ स्पीड है इसमें इस सिस्टम में वो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म ऑफ जनरेटर से कंट्रोल की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर आएगा ऑप्शन सी रेसिडुअल मैग्नेटिज्म ऑफ द जनरेटर। क्वेश्चन नाइन, अ मल्टी रेंज इंस्ट्रूमेंट एमीटर और वोल्टमीटर हैज। ऑप्शन ए मल्टीपल शंट और सीरीज रेजिस्टेंस इनसाइड द मीटर, ऑप्शन बी वेरिएबल कोएफिशिएंट्स, ऑप्शन सी मल्टीपल अरेंजमेंट
एंड ऑप्शन डी एनी ऑफ द अबोव। तो यहाँ पर सही आंसर आएगा ऑप्शन ए मल्टीपल शंट और सीरीज रेजिस्टेंस इनसाइड द मीटर। क्वेश्चन 10 द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज ऑप्शन ए हेनरी ऑप्शन बी कोलम ऑप्शन सी वॉट एंड ऑप्शन डी वॉट आवर। सही आंसर है ऑप्शन सी वॉट। सो गाइज ये सारे जो एमसीक्यू है वो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, सो इसे अच्छे से रीड करना और अच्छे से समझ लेना। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।